शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम्स द न्यू मॉनार्च ऑफ द ब्रिटेन ऑन सितंबर 11। तो इसका राइट आंसर है किंग चार्ल्स थर्ड। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की अभी डेथ हो गई थी, जिसके कारण थ्रोन पर बैठे हैं किंग चार्ल्स थर्ड, और ब्रिटेन की हाल फिलहाल प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रस। सेकेंड क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने जो वर्ल्ड डेयरी समिट ऑर्गेनाइज किया है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? तो इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा। इसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। और जहाँ तक डेयरी की बात है, तो वर्ल्ड मिल्क डे कब ऑर्गेनाइज होता है? वर्ल्ड मिल्क डे ऑर्गेनाइज होता है 1 जून को। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे ऑर्गेनाइज होता है, और नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को होता है, और नोएडा में ही इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश होगा। तो वर्ल्ड डेयरी समिट ऑर्गेनाइज हुआ है ग्रेटर नोएडा में, और इसे ऑर्गेनाइज करवाया था इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज वन द मेन सिंगल टाइटल एट यूएस ओपन 2020। तो यूएस ओपन किसने जीता है? यूएस ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन जीता है, और वुमेन्स में ये जीता है एगा स्वेटक ने। सो यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज। ऑपरेशन गियर बॉक्स किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। सो कोलकाता पोर्ट पे जो गियर बॉक्स के अंदर हेरोइन की स्मगलिंग हो रही थी, उसको रोकने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन गियर बॉक्स लॉन्च किया। तो इसका आंसर है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर फाइव है, प्रोजेक्ट 17A में जो फिफ्थ स्टेल्थ फ्रिगेट लॉन्च हुई है उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट 17A में मझगांव डॉकयार्ड जो है मझगांव शिप बिल्डर्स, वो 7 स्टेल्थ फ्रिगेट फॉर्म करेगा, उसमें से जो फिफ्थ लॉन्च हुई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आईएनएस तारागिरी इज द नेम ऑफ द फिफ्थ स्टेल्थ फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 17A। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका इज वन द एशिया कप, श्रीलंका एशिया कप जीता है, उसने किसको फाइनल्स में हराया था? तो जैसा हमें पता है फाइनल हुआ था श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में, तो श्रीलंका इज वन द एशिया कप एंड द प्लेयर ऑफ द सीरीज इज वनिंदु हसरंगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच कंट्री द 21st एनिवर्सरी ऑफ 2001 टेररिस्ट अटैक वॉज ऑब्जर्व? तो हम सबको पता है 11 सितंबर को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके अभी 21 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नागा मिर्च फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड में ऑर्गेनाइज हुआ है, क्योंकि वहाँ पे नागा मिर्च को GI टैग है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है नागालैंड। इंडियन आर्मी कंडक्टेड द पर्वत प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली, कहाँ पर पर्वत प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज अभी ऑर्गेनाइज हुई थी? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख में भी पर्वत प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। क्वेश्चन नंबर टेन पर है, तो विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ न्यूक्लियर स्टेट? न्यूक्लियर स्टेट किसने खुद को डिक्लेयर किया है? तो इसका राइट आंसर है नॉर्थ कोरिया ने खुद को अभी न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया है। इट हैज डिक्लेयर्ड इट कैन अटैक ऑन एनी ऑफ द कंट्री ऑफ इट्स ऑन चॉइस, और कभी भी ये न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के लिए एग्री नहीं होंगे। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉर्थ कोरिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक इट।